कविता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबको फिर से मिलने आ चुकी हूँ। टुडेज वीडियो इज वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ड्रीम ड्रेस। यस, मेरी जो ड्रीम ड्रेसेस की लंबी सी लिस्ट है उसमें से ये एक है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। एक्चुअली मैं इसे अपने बर्थडे पर क्रिएट करना चाहती थी बट क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी यूट्यूब चैनल को लॉन्च करना था तो मेरा सारा ध्यान उसी पर फोकस था, इस वजह से मैं उसे उस वक्त क्रिएट नहीं कर पाई थी। बट क्योंकि अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और वैसे भी यही सही टाइम है इसे क्रिएट करने का। सो आज मैं बनाने वाली हूँ इन्फिनिटी रैप ड्रेस। इस ड्रेस की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी साइड से पहन सकते हैं। यस, आप इसे सीधा भी पहन सकते हैं और उल्टा भी पहन सकते हैं, शॉर्ट लेकिन यही सही है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इस टॉप को क्रिएट किया था तो दोनों की बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रीटी मच सेम है। हमें बस टॉप की कटिंग में थोड़े से चेंजेस लाने हैं एंड वी डन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि वो किस तरीके से क्रिएट होता है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। जैसा कि मैंने कहा था, मैं सिर्फ बेसिक स्टिचिंग ही जानती हूँ। मैंने डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया है। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ अपने सूझबूझ के हिसाब से बनाती हूँ, मुझसे गलतियां भी होती हैं। तो इस ड्रेस को बनाने में भी मुझसे कुछ गलतियां हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि जब भी आप ये ड्रेस बनाए तो वो गलतियां ना दोहराएं जो मैंने दोहराई है। सो माय मिस्टेक नंबर वन, गलत फैब्रिक को चुनना। यस, इस ड्रेस को बनाने के लिए मुझे कोई लचीला फैब्रिक यूज करना था बट मैंने थोड़ा हार्ड फैब्रिक यूज कर लिया जिसकी वजह से मेरे ड्रेस में वो लचीलापन और वो जो बॉडी हगिंग बोलते हैं वो नहीं आया। तो जब भी आप इस ड्रेस को बनाने के लिए फैब्रिक चुने तो ध्यान रखें कि वो थोड़ा लचीला हो। मिस्टेक नंबर टू, अगर आपको लगता है कि आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो उसमें लाइनिंग जरूर यूज कीजिए। क्योंकि मैंने फैब्रिक को ज्यादा बाय किया था तो इसीलिए मैंने टॉप पार्ट के लिए उसी फैब्रिक को एज ए लाइनिंग यूज कर लिया। स्कर्ट के लिए मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मुझे लगा क्योंकि वो फैब्रिक भी थोड़ा हार्ड था तो शायद वो थोड़ा फ्लोई ना हो जाए जैसे बैले डांसर्स का स्कर्ट होता है। बट आई वॉज रॉन्ग क्योंकि बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लाइनिंग डालनी जरूरी थी उसमें और मैंने उसके लिए सेपरेट इस तरीके का स्कर्ट बना लिया जो मैं अपने ड्रेस के अंदर पहनती हूँ। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि लाइनिंग की जरूरत है तो उसे जरूर यूज कीजिए। सो मिस्टेक नंबर थ्री, फ्रंट साइड की स्कर्ट की जो कटिंग है उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। एक्चुअली माय एक्सपेक्टेशन वाज दिस। आपका भी ड्रेस बिल्कुल ऐसा ही बन सकता है अगर आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो मैंने दोहराई है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार दिखाएं, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्फिनिटी रैप ड्रेस कैसे बनता है। टॉप की लाइन को 16 इंचेस पर मार्क करें और लाइन को ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले हम टॉप की बैक साइड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए अपनी ऐसी टी शर्ट ले लें जो ज्यादा लूज ना हो और ज्यादा टाइट ना हो और उसे ड्राफ्टिंग पेपर पर सेट कर लें। अब टी शर्ट को ट्रेस करना स्टार्ट करें। अब अपनी टी शर्ट की स्लीव्स को 3.5 पर ड्राफ्टिंग पेपर पर मार्क करें। बाकी की टी शर्ट को ट्रेस करें और पैटर्न ड्रॉ कर लें। अपनी वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करें और उसे वेस्ट लाइन पर मार्क कर लें और उसे स्लीव से कनेक्ट कर लें। बैक साइड नेक को 3 इंच डाउन मार्क करें, राउंड शेप देकर नेक ड्रॉ कर लें। ईच साइड ऑफ पैटर्न 1/2 इंच सीम अलाउंस देकर पैटर्न को कट कर लें।
बैक साइड पैटर्न को ड्राफ्टिंग पेपर पर सेट करें और ट्रेस कर लें। वेस्ट लाइन को एक्सटेंड करें। वेस्ट पॉइंट से बाहर की तरफ 5 इंच मार्क करें और वहां से 2 इंच अप मार्क करें। उस पॉइंट को नेक से कनेक्ट कर लें और पैटर्न को कट कर लें। फ्रंट और बैक साइड रेडी है, उसे फैब्रिक पर कट कर लें। मैंने लाइनिंग को भी साथ में कट कर लिया है। I also cut lining for back side. बैक साइड के दोनों लेयर्स के बीच फ्रंट साइड के दोनों पार्ट को सेट कर लें। Exactly like this. अब शोल्डर को स्टिच कर लें। दोनों फ्रंट साइड को बाहर लाके बैक साइड की दोनों लेयर को साथ में स्टिच कर लें। फॉर अ स्लीव नेक लाइन से अपनी डिजायर लेंथ को मेजर करें। टॉप की शोल्डर लेंथ को स्लीव लेंथ में से माइनस कर लें। उसमें 2 इंच सीम अलाउंस देकर ड्राफ्टिंग पेपर पर मार्क कर लें। अब स्लीव्स की विड्थ को मार्क करें। लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल को क्रिएट करें और उसे कट कर लें। इस तरीके से इक्वल कॉलम्स को क्रिएट करें और उसे कट कर लें। फोर फोर फैब्रिक पर स्लीव्स की पैटर्न को कुछ इस तरीके से प्लेस करें और 1/2 इंच सीम अलाउंस देकर स्लीव्स को कट कर लें। फैब्रिक की एक साइड ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच पर स्टिच करना है और बीच वाले हिस्से में स्टिच नहीं लगानी है। अब स्लीव्स के बीच दोनों साइड पर इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर हेम स्टिच लगानी है। स्लीव्स की बॉटम में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए इस तरीके की चैनल को क्रिएट करें और उसे स्टिच कर लें। अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक को कट करें और उसे स्लीव्स में इंसर्ट कर लें। इलास्टिक को दोनों साइड से सिक्योर कर लें। स्लीव्स के मिड पॉइंट को टॉप की स्लीव्स के मिड पॉइंट से मिलाकर उसे स्टिच कर लें। बेल्ट के लिए फैब्रिक को इस तरीके से फोर फोल्ड करें। बेल्ट की नैरो साइड को 2 इंच रखना है। बेल्ट की लेंथ है 47 इंच, आप उसे 50 इंच तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बैक की वाइट साइड को 5 इंच रखना है और इस तरीके से ट्राइंगल शेप देना है।
बेल्ट की नैरो साइड छोड़कर इच साइड को स्टिच कर लें। कॉर्नर पर कट लगा लें और बेल्ट को फ्लिप कर लें। अब टॉप की ओपन साइड पर बेल्ट को कुछ इस तरीके से स्टिच कर लें। अब बाय स्टेप को बिना खींचे टॉप की सारी नेकलाइन से स्टिच कर लें। राउंड पर हल्के से कट लगा लें। अब बाय स्टेप को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़े और नेकलाइन के एकदम करीब स्टिच लगा लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। अब बाय स्टेप को अंदर की तरफ मोड़कर फाइनल स्टिच लगा लें और नेक को तैयार कर लें। बैक साइड कट के लिए अपने बेस मेजरमेंट को 2 से डिवाइड करें और इस तरीके से मार्क कर लें। और उसे मेजर कर देख लें कि वो सही है कि नहीं। अगर मेजरमेंट ज्यादा हो तो उसे अंदर की साइड एक्स्ट्रा मार्क करें और कम है तो बाहर की साइड एक्स्ट्रा मार्क करें। अब अपने स्कर्ट की डिजाइन लेंथ को मार्क करें। और कट कर लें। टॉप की बैक साइड के मिड पॉइंट को स्कर्ट के मिड पॉइंट से मिलाकर उसे स्टिच कर लें। सो फ्रेंड्स, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। और होता है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर आप बिगनर्स हो, तो ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है। सो बिना पैनिक आप सोचिए और कोशिश कीजिए कि वो कौन सा रास्ता है जिससे ये मिस्टेक ठीक हो सकती है। मैंने भी यहाँ कोशिश की है कि मैं अपने मिस्टेक को करेक्ट करूँ और आपको भी बताऊँ कि किस तरीके से उस मिस्टेक को ठीक करना है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ मैंने टॉप की वेस्ट लाइन से ज्यादा स्कर्ट की वेस्ट लाइन को कट कर लिया है। सो अब हमें उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और मैंने यहाँ स्कर्ट की ओपन साइड पर राउंड शेप दे दिया है। अब फाइनल फ्रंट साइड स्कर्ट को कट कर लें। और स्कर्ट को फ्रंट टॉप से कनेक्ट कर लें। ड्रेस की लेफ्ट साइड पर वेस्ट लाइन से ऊपर करीब 1 इंच छोड़कर ड्रेस की दोनों साइड को स्टिच कर लें। फाइनली ड्रेस की बॉटम हेम को स्टिच कर ले और ड्रेस को कंप्लीट कर ले।